हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं। सो इसमें कुछ मेन मेन इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी और उनका यूज़ क्या है और उनका एग्जैक्टली नेम क्या है इस बारे में। आई होप आपको इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। सो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसका नाम है सिम्स डबल ब्लेड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्व स्पेक्युलम, वजाइनल स्पेक्युलम। सो इसका नाम सिम्स स्पेक्युलम भी कहते हैं। देन इसका नाम अभी कैसे है, सिम्स डबल ब्लेडेड। अब इसमें आप देख सकते हो दो ब्लेड्स हैं, एक ये ब्लेड है और एक तरफ ये ब्लेड है, डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वजाइनल स्पेक्युलम। अभी क्योंकि जैसे वजाइनल इंस्पेक्शन के लिए होता है, तो जैसे अगर ये वजाइना है तो उसको नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ना, इसलिए पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर वजाइनल स्पेक्युलम। स्पेक्युलम इसलिए कि ये विजुअलाइज कराने के और इंस्पेक्ट कराने के काम में आता है, इस वजह से। सो अभी इसमें दो ब्लेड्स होते क्यों हैं आखिर? पहला एक ब्लेड होता है जो कि थोड़ा सा छोटा होता है, जो कि नली पैरा वुमेन्स के लिए होता है। नली पैरा वुमेन्स होती हैं जिन्होंने अभी तक चाइल्ड बर्थ नहीं किया है। और दूसरा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आप यहाँ इमेज में इजिली देख सकते हो, दूसरा वाला थोड़ा बड़ा है, वो मल्टी पैरा के लिए होता है, मतलब जिनको प्रेगनेंसीज हो चुकी है और जिन्होंने चाइल्ड बर्थ किया हुआ है। तो ये होता क्यों है, ये मैनुअल होता है और ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं होता है। यहाँ पे ये आप शब्दों से आराम से याद रख सकते हो, सिम्स डबल ब्लेड पोस्टीरियर वजाइनल स्पेक्युलम। दो ब्लेड है, वजाइना में पोस्टीरियरली इंसर्ट कराया जाता है। तो इसको इंसर्ट कराने का भी तरीका होता है, जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि इस तरह से वजाइनल स्पेक्युलम है, क्योंकि आगे से चौड़ा होता है, तो कभी इसको वजाइना में डायरेक्टली इस तरह से डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से रोटेट कर देंगे, वजाइना में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसको नीचे की तरफ इस तरह से घुमा देंगे। तो ये सही तरीका होता है और आप निकालेंगे भी इसको ऐसे, आप पहले इसको इस तरह से घुमाओगे और उसके बाद वजाइना से बाहर करोगे। तो ये होता है हमारा तरीका इसको इंसर्ट कराने का और उसी तरह से इसको निकालने का। अब इसको डायरेक्टली क्यों इंसर्ट नहीं करा जा सकता, कराया जाता एक्चुअली, क्योंकि अगर इसको डायरेक्टली इंसर्ट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो वजाइनल वॉल्व है और मसल्स हैं उसमें टीयरिंग या फिर लैसरेशन हो सकता है, या अगर नली पैरा वुमेन है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टीयरिंग के। तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कराते और उस तरह से उसको इंसर्ट कराते हैं। देन हमारा सेकेंड आता है कसकॉस स्पेक्युलम। अभी कसकॉस स्पेक्युलम ये होता है, कसकॉस का पूरा नाम होता है कसकॉस बाईवॉल्व सेल्फ रिटेनिंग वजाइनल स्पेक्युलम। अभी इसके शब्दों से ही आप समझिएगा, कसकॉस इसका नाम हो गया, बाईवॉल्व ये देखिए इसमें दो वॉल्व हैं, बाईवॉल्व सेल्फ रिटेनिंग, सेल्फ रिटेनिंग है क्योंकि इसमें देखिए ये स्क्रूज है, तो ये सेल्फ रिटेन हो जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन को फिक्स करे रह सकता है, जैसे कि ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं होता, इसको आपको हाथ से पकड़े रहना पड़ेगा। तो ये सेल्फ रिटेनिंग होता है, मतलब आपने इसको जैसे सेट कर दिया ये वैसे ही सेट रहेगा। वजाइनल स्पेक्युलम मतलब वजाइना का जो स्पेक्युलम, वजाइनल स्पेक्युलम लाइक उसको विजुअलाइज करने के और इंस्पेक्ट करने के काम में आ रहा है। तो इसका भी सेम फंडा होता है, जैसे इसको हम लोग पहले इस तरह से लाइक इसको इस तरह से फीमेल की वजाइना में इंसर्ट कराएंगे और उसके बाद उसको इस तरह से करके देन इसमें जो रिटेनिंग वॉल्व्स होते हैं उनको खोल देंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, देन यहाँ से इसको बंद करने के बाद तब इसको हम फिर से वापस घुमा करके तब पीछे निकालेंगे। वही रीज़न होता है, वरना फिर जो वजाइनल मसल्स होती हैं या लेयर्स होती हैं उसमें टीयरिंग हो सकती है। तो अभी ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर कोई भी जैसे पैप स्मेयर टेस्ट होता है या कोई भी आपको ऐसा टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए आप इजीली एसेप्टिक टेक्निक से आप या फिर किसी अदर फ्लूड को टच किए बिना आप सैंपल ले सकते हो। ये जो अंदर का एरिया होता है पूरा, ये बिल्कुल एसेप्टिक होता है और इसमें कोई भी कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, या फिर आपको ये चांस नहीं होगा कि आप वजाइनल फ्लूड कोई और टच हो जाए। देन हमारा आता है मल्टीपल टूथ वेल्यूसेलम। इसका नाम मल्टीपल टूथ क्यों है, इसको वेल्यूसेलम भी बोला जाता है, मल्टीपल टूथ वेल्यूसेलम बिकॉज इसमें आगे की तरफ बहुत ज़्यादा टूथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक इस तरह से एक तरफ बाहर को होंगे और दूसरी तरफ इसी से अंदर के लिए होंगे,
ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके आगे पे। अब इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है जो एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स होता है, लाइक सर्विक्स में इस तरह से एक एंटीरियर लिप होगा और एक पोस्टीरियर लिप होगा, इस तरीके से वो बंद हुआ है ना, तो जो एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स होता है उसको होल्ड करने के काम में आता है। तो एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स यूजुअली हम इसको कॉपर टी इंसर्शन के टाइम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। देन इसमें एक कैच होता है जिसकी लाइक कैच मतलब ये लॉक टाइप से कि आप इसको इजीली लॉक कर सकते हो और वहीं पे ये होल्ड रख रख लेगा। लेकिन इसको ज्यादा यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज जो सर्वाइकल लिप है उस पर डैमेज हो सकता है और जो मसल्स हैं वहाँ की जो उसमें इंजरी हो सकती है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। देन हमारा आता है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। ये वैसे इससे भी एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड किया जा सकता है। प्रोसीजर कोई भी हो सकता है, डीएनसी हो सकता है, डीएनई हो सकता है, या फिर कॉपर्टी इंसर्शन हो सकता है, और इसको एज एन हेमिस्टेटिक फोर्सेप भी यूज किया जा सकता है। इसमें भी आगे से टूथ बने होते हैं। देन आता है लॉन्ग स्ट्रेट हेमोस्टेटिक फोर्सेप। ये देखिए इसमें भी कैच होता है, तो इसमें क्या है, इसमें जो टूथ है आगे की तरफ नहीं है, ये लॉन्ग और स्ट्रेट फोर्सेप है। ये इजीली आपको डायग्राम में पता चल रहा होगा कि लॉन्ग स्ट्रेट फोर्सेप है, और ये ज्यादातर जो भी रैप्चर यूट्रस होता है या फिर कॉर्ड होता है उसको क्लैम्प करने के काम में आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब कॉर्ड क्लैम्पिंग होती है। तो जरूरी नहीं आप हमेशा डिस्पोजेबल क्लैम्प्स ही यूज करो, कई बार होता है आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है एज एन कॉर्ड क्लैम्प। इसमें भी कैच होता है जिसकी वजह से वो होल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉकर्स हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स। सो क्रॉकर्स का मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के टाइम पे, जब आर्टिफिशियली लाइक बाहरी तौर पे रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना होता है, लाइक एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रैप्चर करना होता है, तो इसको यूज किया जाता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से टूथ है, ये देखिए यहाँ पे इस पे एक टाइप से टूथ है और दूसरी तरफ उतना ही खांचा है, तो ये इजिली ये जाके एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रैप्चर कर सकता है। आई होप आपको ये इजिली समझ में आ रहा होगा। इसमें भी कैच होता है कि वो इजिली वहां पे जाके कैच से मतलब उसको प्रेस किया जा सके। देन नेक्स्ट हमारा आता है यूट्राइन साउंड। सो यूट्राइन साउंड एक लंबी सी स्टिक जैसी होती है। याद रखिएगा जो भी चीज़ें यूट्रस के अंदर इंसर्ट होनी है, लाइक वजाइना से यूट्रस में जानी है, वो हमेशा आगे से कर्व्ड होती हैं, बिकॉज जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड होता है नेचर में, इस वजह से। सो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यूट्राइन हाइट को चेक करना ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉपर टी इंसर्शन। यूट्राइन हाइट चेक करी जाती है पहले कि आखिर यूट्रस की एग्जैक्ट हाइट कितनी है, तो उसके लिए ये इंसर्ट कराया जाता है। और उसके बाद इसमें मार्किंग्स होती हैं पूरे पे, 9 सेंटीमीटर तक इसमें मार्किंग्स होती हैं। इसमें तो नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली इसमें 9 सेंटीमीटर तक मार्किंग्स होती हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि यूट्रस की जो एग्जैक्ट हाइट है वो कितनी है। वो पता कैसे चलेगा, अभी पहले ये आता है कि क्योंकि जो भी यूट्राइन फ्लूड्स होते हैं वो उस पे लग जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहां तक भी यूट्राइन फ्लूड लग गया तो आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ की मार्किंग्स देख के समझ सकते हो कि आखिर यूट्रस हाइट कितनी है। देन हमारे ये आते हैं डायलेटर्स, इनको हेगर डायलेटर यूजुअली कहा जाता है या फिर दास डायलेटर भी कह सकते हैं। तो डायलेटर्स का काम क्या होता है, ये भी सर्वाइकल डायलेशन के काम में आते हैं। ये देखिए इस तरह से डायलेटर्स होते हैं, अब तो यूजुअली ये वाले ज्यादा डायलेटर्स यूज हो रहे होते हैं, और इनके भी अलग अलग साइजेस होते हैं, नली पैरा मल्टी मल्टी ग्रेविडा के हिसाब से, कि जिस हिसाब से आपको डायलेशन कराना है और जितना डायलेशन है उसके हिसाब से डायलेटर्स यूज किए जाते हैं। देन ये आती है रिंगलीज फोर्सेप। रिंगलीज फोर्सेप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जब बेबी का हेड जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के थ्रू बाहर निकालना होता है, तब रिंगलीज फोर्सेप यूज किया जाता है। इसके अंदर वाला जो एरिया होता है उसको बोला जाता है सिफेलिक कर्व, जो अंदर के साइड में, जो बाहर के साइड में है उसको पेल्विक कर्व बोला जाता है। ये होता है शैंक और ये होता है हैंडल। ये एक और पेल्विक ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप है, इसमें भी वही सेम चीज है,
अंदर वाले को बोलेंगे पेल्विक कर्व, बाहर वाले को सिफेलिक कर्व, सॉरी अंदर वाले को सिफेलिक कर्व, बाहर वाले को पेल्विक कर्व, शैंक, ये होता है फिंगर गार्ड। इससे फिंगर को आप इजीली यूज कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। इसमें स्क्रूज होते हैं और ये हैंडल होता है। सो अभी होता क्या है कि इसको इससे जो बेबी का हेड होता है, बेबी के हेड को होल्ड किया जाता है और उसके बाद उसको डिलीवर आउट कराया जाता है। पिनार्ड स्टेथोस्कोप, इसको फीटोस्कोप भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट और ये यूज़ किया जाता है फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए, फीटल हार्ट रेट कितना है और फीटल हार्ट हार्ट साउंड कैसी है, ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ध्यान रखना होता है कि आप खुद का अंगूठा या कोई हाथ ना लगाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या होगा, इससे आपको खुद की ही पल्सेशन सुनाई पड़ने लगेगी। आपको इसको एब्डोमिनल पे रख के डायरेक्टली इस पे ईयर लगाना होता है और वॉइस को सुनना होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है यूट्राइन क्यूरेटेज। सो इसको सॉरी यूट्राइन क्यूरेट, तो इसको क्यूरेटेज प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। क्यूरेटेज होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, जिसमें कि अबॉर्शन टेक्निक होती है, एक तरीके से इसमें अबॉर्टस को निकाल दिया जाता है, इसमें अबॉर्टस को निकाल दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये देखिए कि रिंग लाइक होते हैं जो कि थोड़े से शार्प होते हैं, और इससे जो एंडोमेट्रियल लेयर होते हैं उससे अबॉर्टस को अलग किया जाता है, लाइक उसका प्लेसेंटा एंड ऑल उसको अलग कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा शार्प होता है और इसमें लाइंस लाइंस ही बनी होती हैं। देन हमारी आएगी एपिजियोटमी सीजर। सो एपिजियोटमी सीजर का काम क्या होता है कि जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है और उस समय वुमेन को टियरिंग और लैसरेशन से बचाने के लिए, उसके पेरिनियल एरिया को टियरिंग और लैसरेशन से बचाने के लिए हम एपिजियोटमी देते हैं। सो एपिजियोटमी पेरिनियल एरिया में पोस्टीरियर साइड में दिया जाता है, उसके लिए ये एपिजियोटमी सीजर यूज की जाती हैं। देन आता है डॉइंस रिट्रैक्टर। अभी डॉइंस रिट्रैक्टर का क्या काम होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ LSCS यानी कि लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, जिसको सिजेरियन सेक्शन भी कहा जाता है, उस टाइम पे जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उनको होल्ड करने के काम में आता है। जो एब्डोमिनल मसल्स होंगी, जैसे ये आगे से आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है, इसके अंदर मसल्स को फंसा के, जैसे ये इस तरह से अगर है तो इसके अंदर मसल्स को फंसा के पीछे खींच के इसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से डॉइंस रिट्रैक्टर यूज होता है। नेक्स्ट आता है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का सिंपल सा काम है कि हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप और ओवम फोर्सेप एक जैसे दिखते हैं, बट याद रखिएगा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप बिकॉज ये स्पंज को और कॉटन को होल्ड करने के लिए होती है, इसलिए इसमें आगे से कोई टिल्ट नहीं होती है या बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और जो ओवम फोर्सेप होगी आगे बात करेंगे, उसमें डिफरेंस है। सो जैसे कोई भी अगर प्रोसीजर होना होता है या इंस्पेक्शन होना है, तो उससे पहले जो पेरिनियल एरिया को, वजाइनल एरिया को जो क्लीन किया जाएगा, वो उसी में कॉटन को या फिर स्वैप को होल्ड करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के इससे पकड़ के ही एक्चुअली क्लीन किया जाता है। तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का ये काम है। ये देखिए, ये बिल्कुल उसी की तरह स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की तरह, बट ये है ओवम फोर्सेप। अभी जैसे हमने उसमें बात करी थी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये आप देखिए हल्का सा टिल्टेड है, बिकॉज वही बात है कि ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट होनी और यूट्रस एंटीवर्टेड है, तो ये हल्की सी टिल्टेड होगी आगे की तरफ को। ये होता क्या है, जो भी अबॉर्टस होता है, लाइक जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है उसको निकालने के लिए, या फिर अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है उसका जो प्रोडक्ट बचा रह गया उसको निकालने के लिए ये उसमें यूज किया जाता है। देन हमारा आता है कॉर्ड क्लैंप। ये डिस्पोजेबल कॉर्ड क्लैंप्स हैं, ये प्लास्टिक के बने होते हैं और ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जब बेबी डिलीवर आउट हो चुका होता है, तब उसकी कॉर्ड को क्लैंप करने के काम में आते हैं। देन आता सो ये थे हमारे कुछ ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो और ये आपको हेल्प करे। सॉरी, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।